तो दोस्तों Redmi Watch फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका लॉन्च डेट होने वाला है। ऑलराइट, सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अजय शिंदे बैक इनटू द गेम विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों Redmi Watch फाइनली इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है और दोस्तों इसका लॉन्च डेट होने वाला है 13th of May। जी हाँ दोस्तों, 13 मई को, मतलब दोस्तों 13 मई को ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं कि Redmi Watch जो है वो पहले ही चाइना में लॉन्च हो गया है, लेकिन दोस्तों जो चाइना वाला वर्जन था और इंडियन वर्जन जो है वो काफी अलग है। दोस्तों इंडिया में जो वॉच लॉन्च होने वाली है वो MI Watch Lite को रिब्रांड करके Redmi Watch करके इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों अभी देखते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। दोस्तों Redmi Watch के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.4 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन होने वाला है 320x320 का, और दोस्तों इसकी पिक्सल डेंसिटी होने वाली है 323 पिक्सल पर इंच। और दोस्तों ब्राइटनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 480 nits का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको 200+ वॉच फेसेस का यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, स्लीप मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, और दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रीथ मोड भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको SpO2 का फीचर, मतलब ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग का फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको Redmi Watch में GPS का सपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको GPS प्लस ग्लोनास का सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिलेंगे। आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, आउटडोर साइकिलिंग, ओपन वाटर स्विमिंग, फ्री स्टाइल, पूल स्विमिंग, क्रिकेट, हाइकिंग, ट्रेल रनिंग, वॉकिंग, इंडोर साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स मोड जो है वो आपको इस वॉच में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो वॉच है वो 5 एटमॉस्फेरिक लेवल तक वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब दोस्तों आप इसे पहनकर पानी के अंदर 50 मीटर की डेप्थ तक पानी के अंदर जा सकते हो। दोस्तों अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉल नोटिफिकेशन, टेक्स्ट नोटिफिकेशन और दोस्तों आपके ऐप के नोटिफिकेशन वगैरह का सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों आप इस वॉच से आपकी म्यूजिक वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों करते हैं बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 230 मिली एम्प्स की बैटरी मिलने वाली है, जो कि आपको लास्ट होगी 9 डेज तक। लेकिन दोस्तों अगर आपने कंटिन्यूस यूज किया GPS का तो यहाँ पे आपको 10 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलने वाली है। दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जो वॉच है वो इंडिया में लॉन्च हो सकती है 4,999 रुपीज में, और शायद से लक अच्छा हो तो ये हमें 4,499 रुपीज में भी अवेलेबल हो सकती है। तो बस दोस्तों ये थे सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इंडियन वर्जन ऑफ Redmi Watch के। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।